जय हिंद दोस्तों। बॉलीवुड बॉलीवुड अभी अपने उसे एक दौर से गुजर रहा है जिसको आप एक ट्रांजिशन फेज भी कह सकते हैं, बदलाव का दौर भी कह सकते हैं, और चीज़ों को जो इवोल्यूशन होता है हर एक चीज़ में वो दौर भी आप एक कह सकते हैं, क्योंकि अब लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हमें किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है, कैसी चीज़ें देखनी है, कैसी चीज़ें नहीं देखनी है। इन सभी चीज़ों का भी एक दौर चल रहा है, प्लस इसको हम एक फिल्ट्रेशन की प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग इस समय पब्लिक की डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि अभी बॉलीवुड में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि चीज़ें जो हैं सीधी तौर पर सीधी नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो जो वायरस के कारण जिन मरीजों को अफेक्ट हो रहे थे उनकी संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी, जिसके कारण कि हम दिल्ली में देख रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे हालात फिर से पैदा होते जा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन लगेगा नहीं, ये बात स्पष्ट कर दी गई है, लेकिन फिर भी हालात कुछ वैसे ही बनते जा रहे हैं। इसके अलावा कई एक शहरों में इस तरह के हालात और ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। अब इन्हीं सभी हालातों के बीच में थिएटर्स जो थे, जो कि एक मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है बॉलीवुड का, उनके ओपन होने की बातें चल रही थी। हालांकि ऑर्डर्स तो मिल चुके हैं बट लोगों ने अभी जाना शुरू नहीं किया है। अब अभी एक मूवी रिलीज़ हुई है, सूरज पे मंगल भारी, ये मूवी रिलीज़ हुई है, ये मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई है। अभी सुनने में आ रहा है कि लक्ष्मी को भी जहाँ तक है थिएटर्स में रिलीज़ किया जाएगा, तो लोगों ने बहुत कम संख्या में थिएटर्स जाना शुरू कर दिया। अब मैं उस नेता का नाम भूल रहा हूँ, वो एक नेता है, उन्होंने मछलियों के बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, जो कि अभी लॉकडाउन के कारण पूरा नीचे चला गया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कच्ची मछली खाई थी, ये दिखाने के लिए कि भैया इससे कोरोना नहीं फैलता। क्यों? क्योंकि जब एक लीडर ऐसा काम करता है तो उसको फॉलो करने वाले लोग भी वो काम करेंगे कि हाँ चलो ठीक है, इसमें खतरा नहीं है, अगर हमारा लीडर ये काम कर रहा है तो भैया हम भी कर सकते हैं। तो अभी ऐसा ही कुछ काम किया है आमिर खान। अब आप बोलोगे भैया आमिर खान ने कैसे कर दिया, तो बॉलीवुड की मूवीज़ देखने के लिए थिएटर्स में लोग कम से कम संख्या में जा रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो जा रहे हैं, मतलब नाम मात्र के लोग जा रहे हैं। और ये बात ऑलरेडी बॉलीवुड बहुत लंबे समय से असेस कर रहा है कि भैया लोग जो हैं आखिर थिएटर जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि कई सारी बड़ी मूवीज़ हैं जो हमें ही पता है कि रिलीज़ होने के लिए तैयार होकर बैठी हैं। अब उन चीज़ों को लेकर लगातार ये अटकल लगाई जा रही है कि अगर हम इनको इस समय थिएटर में रिलीज़ करते हैं तो क्या लोग उसको उसी तरीके से देखेंगे या नहीं देखेंगे। हालांकि बात अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जो ये वायरस है ये सिर्फ लोगों के मतलब प्रिकॉशंस ना लेने के कारण फैल रहा है। तो अगर थिएटर्स वहाँ पर प्रिकॉशन लेते हैं तो वहाँ पर वायरस नहीं फैलेगा। लेकिन दूसरी बात ये निकल के आ जाती है कि लोग बॉलीवुड से इतनी ज़्यादा घृणा करने लगे हैं कि अब वायरस हो या ना हो, लोगों का कहना है कि भैया हमें तो मूवी देखनी ही नहीं है। ऐसे में आमिर खान ने बीड़ा उठाया कि नहीं भैया मैं इस बात को पूरी तरीके से बदलूंगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो अभी फिलहाल ये ट्वीट देख रहे हैं ये आमिर खान का है। ये इन्होंने किया है कि ऑन माई वे टू सी सूरज पे मंगल भारी इन सिनेमा हॉल, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस आफ्टर सो लॉन्ग। मतलब कि भैया ये लोगों को बता रहे हैं कि भैया बिग स्क्रीन का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग मिस कर रहे थे, तो आप लोग भी जाके देखिए। ये एक वही काम टैक्टिक है, पॉजिटिव मार्केटिंग हम इसको कह सकते हैं, जो कि इन्होंने करने की कोशिश करी है। इन्होंने ये हो गए आमिर खान हो गए, अजय देवगन हो गए, इन्होंने लक्ष्मी मूवी के रिव्यू को लेकर भी ऐसी बातें कही थी। तो जो चीज़ ये लोग कभी करते नहीं थे वो चीज़ ये लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यही बताता है कि भैया दाल में कुछ ना कुछ काला है, और जो चीज़ें जिस तरीके से हमें दिखाने के लिए की जा रही है वो दरअसल वैसी है नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मार्केटिंग करने का एक तरीका है। अब इसके ऊपर जो कमेंट्स आए हैं वो आपको असली मनोदशा बताएंगे कि लोगों की आखिर क्या सोच है आमिर खान के इस स्टेप को लेकर। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। कृति लिखती हैं, मनी मैटर्स फॉर देम एज यूजुअल, ही वॉज नॉट बॉदर्ड व्हेन चाइना बॉयकॉट वॉज ट्रेंडिंग, गाइज ही गॉट मनी फ्रॉम देम, नाउ पीपल लाइक अस आर नॉट गोइंग टू थिएटर, हाउ कैन दे मेक देम सो प्रमोट थिएटर्स, आम जनता को मारना है मारो इनको, बस पैसे से प्यार है। दरअसल बात यह है कि वायरस के चक्कर में अभी ये भी लोगों को प्रिकॉशन में कहा जा रहा है कि आप क्राउड वाली जगह पर ना जाएं। अब थिएटर क्राउड वाली जगह में ही आते हैं, आप कितना ही प्रिकॉशन बरत लें लेकिन वहाँ पर भीड़ तो थोड़ी बहुत ही सही, पर भीड़ तो रहती ही है ना, और कौन इंसान कैसा चीज़ छूके जा रहा है, प्लस उसको सैनिटाइज कैसे किया जा रहा है, इन चीज़ों के ऊपर आपको भरोसा नहीं रहता। अभी जैसा कि हम स्कूल्स के मामले में भी देख रहे हैं कि कुछ एक स्कूल्स जो ओपन हुए हैं वहाँ पर कई सारे बच्चे हैं जो कि पॉजिटिव निकल के सामने आए हैं। तो ऐसे में थिएटर्स खोलने की जल्दबाजी और जिस तरीके से ये प्रमोट कर रहे हैं आमिर खान लोग कि भैया थिएटर जाइए, कल को अगर कोई मरीज बन के बाहर निकलता है तो जो उसके इलाज में खर्चा होगा उसका वहन कई स्टार्स करेंगे जिनकी मूवी देखने के लिए पब्लिक जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतने परोपकारी। विश्व ट्वीट लिखती हैं, यू शुड नॉट बी एनकरेजिंग पीपल टू गो टू थिएटर्स, कोविड कैन बी इजीली कॉन्ट्रडिक्टेड, डोंट प्रमोट सच थिंग्स, योर फॉलोअर्स विल गेट इन द डेड ट्रैप। यहाँ पे इन्होंने बहुत टू द पॉइंट बात कही है कि भैया आप जो चीज़ कर रहे हो वो आप अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए कर रहे हो, आप ये चीज़ नहीं करो तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि इससे कई लोगों की ज़िंदगी पे खतरा हो सकता है।
ट्रू सैनिक कर्मा हिट्स लिखते हैं, अर्दोगान को भी दिखाओ पहले, टर्की इज एनिमी ऑफ भारत, जस्टिस अवेटेड, वाई आर ऑल दोज एलिजिबली इन्वॉल्व इन SSR मर्डरिंग रोमिंग फ्री, जिनको कि ये मौत का जिम्मेदार ठहराया गया वो सब फ्री घूम रहे हैं। इसके आगे तर्की खान लिखते हैं, नॉट इंटरेस्टेड इन बॉलीवुड एनी मोर, नॉर गोइंग टू द सिनेमा हॉल, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू फॉर योर मार्केटिंग गिमिक, स्टे होम स्टे सेफ। सुमित शर्मा लिखते हैं, तो जाओ फिर, आपके एक कॉल से लाखों डॉक्टर्स की लाइन लग जाएगी आपके लिए, बट सब आपके जैसे नहीं हैं रिच, डोंट बी सो सेल्फिश, यू नो वेरी वेल स्टिल वी हैव कोरोना वायरस आउट देयर, इन केसेज आर राइजिंग डे बाई डे अगेन, डोंट बी सो सेल्फिश। इसके आगे बर्नाली लिखते हैं, फॉर बॉलीवुड स्टिल देयर अर्निंग्स मैटर्स, आम जनता मरती है तो मरे, हमें तो बस पैसे कमाने से मतलब है। आमिर खान, प्लीज गो एंड वॉच कॉज पीपल वोंट बी वॉचिंग यू, नीड ऑफ द आर इज यू हैव टू सपोर्ट पीपल लाइक यू इन द इंडस्ट्री। रवि रंजन लिखते हैं, ग्रेट, एवरीथिंग इज ओपन, दोज हु टॉक अबाउट कोरोना स्प्रेड मस्ट अंडरस्टैंड कि ये मूर्खता से फैलता है, प्रिकॉशन से नहीं। मल्टीप्लेक्स वुड नॉट अलाउ एनीवन टू एंटर विदाउट मास्क, और अभी मास्क ही वैक्सीन है, मूवी इज इक्वल टू बिग स्क्रीन, वियर मास्क एंड वॉच मूवीज इन द थिएटर्स। तो भैया ये जो भाई साहब हैं ये आमिर खान की हाँ में हाँ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही ये भी इनकरेज कर रहे हैं कि भैया लोगों को थिएटर जाकर ही मूवीज़ का आनंद लेना चाहिए, और वही चीज़ सही होती है। अब आप लोग इनके बारे में क्या कहते हैं जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। सिद्धि बोलते हैं कि आप अकेले क्यों गए, बीवी बच्चों और लेटेस्ट वाली गर्लफ्रेंड भी को भी साथ लेके जाओ ना, फिल्म देखना, पॉपकॉर्न खाना, फिर साथ में COVID-19 का टेस्ट करने जाना, फिर आप तो जी खुद ही बड़े पॉजिटिव आदमी हो। भाइयों बहनों, इनकी फिल्मों पे 350-500 खर्च करने की बजाय OTT पे फिल्म देख लो, पैसे भी बचेंगे और बीमारी से भी बचोगे, और मैं तो एक चीज़ और ऐड करूँगा, क्वालिटी कंटेंट भी देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको। रितेश सनातन लिखते हैं, आमिर अमी ट्रू बॉलीवुड मूवी पता नहीं, साउथ इंडियन मूवी हिंदुत्व ची असाते माहौन डबिंग केलेली मूवीज आमी फोटो। अमीश लिखते हैं, यू कीप गोइंग ऑन, इग्नोर दीज ट्रोलर्स। ओहो हो भाई साहब, ये तो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दे हैड नथिंग वर्थ इन फ्रंट ऑफ यू, बाद में यही कुछ लोग आपकी मूवी देखने सिनेमा हॉल में देखते हुए मिलेंगे। यार देखो, समय बदलेगा तो कुछ चीज़ें बदलेंगी, पर अभी जो माहौल है उसमें तो मुझे नहीं लगता है कोई भी जाएगा। निकले आने लिखते हैं, हाँ तो हमें क्यों बता रहे हो, हम तो नहीं देखेंगे अपना 250 रुपीज़ खर्च करके तुम्हारी मूवीज़, गुड कॉन्टेंट इज ऑन OTT, इन सिनेमाज देयर इज ओनली कॉमर्शियल। इसके आगे तन्मय मलगांवकर लिखते हैं, सर वाई यू गोइंग टू वॉच स्टूपिड मूवीज लाइक दिस, सो दैट पीपल शुड ऑल्सो स्टार्ट टू गो टू थिएटर्स, पीपल आर स्मार्ट, यूज सम अदर स्ट्रैटेजी। दीपा कृष्णा लिखती हैं, सो वाई आर यू टेलिंग अस, आज तक आपने कभी कुछ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताया, तो अभी क्यों, मतलब अचानक से आमिर खान की जो लाइफ है वो पब्लिक होती हुई दिखाई दे रही है, और वो पब्लिक देख भी रही है भैया कि ये मामला गड़बड़ है। जस्टर लिख रहे हैं, डिड वी आस्क यू फॉर सच यूजलेस इन्फॉर्मेशन, टेल अस इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक व्हेन यू आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया सिंस यू फील थ्रेटन्ड हियर। इन्होंने एक समय पर ट्वीट किया था भैया कि भारत में हमें खतरा महसूस होता है, उसी चीज़ के ऊपर तंज कसा गया है ये। गोपाल एस लिखते हैं, ये तरह तरह के रूप बना के लोगों को थिएटर में बुलाने के ठगने का अपना फंडा अपने पास ही रखिए, लोगों की फिरकी कौन ले रहा है अब ये जानती है जनता, स्टार नहीं चमकती दुनिया के काले सितारों को देश पहचान चुका है, अब कोई पैतरा काम नहीं आने वाला। रामक इमरा लिखते हैं, हाउ स्वीट यू एक्टर्स वॉच ईच अदर फिल्म्स, वी पीपल ऑफ इंडिया विल नॉट वॉच, आप लोग एक दूसरे की मूवी देखिए, हम लोग नहीं देखने वाले। सचिन जोशी लिखते हैं, जिस शिकार ने PK मूवी में अंधविश्वास बताकर भगवान का मजाक उड़ाया था, आज वही भगवान कृष्ण का रोल करके पैसे कमाएगा, बॉयकॉट बॉलीवुड। सर अंडरस्टैंड यू आर ट्राइंग टू प्रमोट इन थिएटर व्यूअरशिप एंड अंडरस्टैंडेबली सो, बट गिवन कोरोना थ्रेट देयर केसेस आर राइजिंग अगेन, इट इज़ बेटर फॉर फिल्म्स टू गेट रिलीज ऑन OTT एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इन्होंने बहुत काम की बात कही है और बहुत सटीक तरीके से भी कही है मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये जो पूरी बात है ये समझने वाली इसलिए भी है और गौर फरमाने वाली भी इसलिए है, क्योंकि अगर इस चीज़ के ऊपर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो हम जो केसेस की बढ़ोतरी देख रहे हैं उसमें हमको एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है, और वो कहीं से भी अच्छा नहीं होगा, और फिर वही एक लिबरल गैंग आ जाएगा और कहेगा कि भैया मोदी गवर्नमेंट जो है वो सही से काम नहीं करती है। यहाँ पर लोगों को ये समझना होगा कि भाई मोदी गवर्नमेंट तो अपना काम जो कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है, वो सब अपनी जगह पे है, आप उसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बॉलीवुड सितारे लोगों को एनकरेज करेंगे भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने के लिए, तो ये कैसे रोकथाम का इलाज हो सकता है। भाई आप मास्क पहन सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन भीड़ वाली जगह पे ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, ये मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को अब इतने महीनों बाद समझाने की ज़रूरत है।
आप सभी समझदार हैं, आप सभी इस चीज़ को समझ सकते हैं। दिया मल्होत्रा लिखती हैं, हाँ किसी ने पूछा क्या तेरे से, ज़्यादा एक पब्लिसिटी कर रहा है ना मूवी की और जॉब की, बताना बुरे दिन आने पे ये भी करना पड़ता है, देख लो भाई और बहनों। इसके आगे सुशील राठी महेश्वरी लिखते हैं, बेटा कोई भी फिल्म बना लेना, एक भी फिल्म खर्चा पूरा नहीं करेंगी। वैसे फिल्म तुर्की पाकिस्तान में रिलीज़ करनी चाहिए थी, तो आगे आने वाली फिल्में पाकिस्तान तुर्की में ही रिलीज़ करना। दरअसल जो तुर्की गए थे वहाँ पर जो मिले थे वहाँ की फ़र्स्ट लेडी से, उसके बाद ही पूरा विवाद सामने आया था, क्योंकि तुर्की भारत विरोधी देश माना जाता है। और अभी फ्रांस में जो हमला हुआ उसके ऊपर जिस तरीके से तुर्की ने भैया उन सभी देशों का बाप बन के जो चीज़ दिखाने की कोशिश करी, उसके बाद और ज़्यादा बातें हुई हैं। संजना लिखती हैं, या राइट, प्लीज़ कैरी ऑन एंड एन्जॉय द एंटायर हॉल टू योर सेल्फ, नाउ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू गाइज बट टू वॉच एंड टॉलरेट ईच अदर, सॉरी बाबू। यहाँ पर संजना सॉरी बाबू लिखते हुए आमिर खान को कह रही हैं कि भैया आपको जाके मूवी देखनी है आप बिल्कुल देखो, क्योंकि आपको लोगों को एक दूसरे की मूवीज देखनी है, आपकी मूवी देखने के लिए कोई थिएटर नहीं जाने वाला। मनीष गुप्ता लिखते हैं, हा हा हा, यू वॉन्ट टू सेट द स्टेज ऑन स्टेज फॉर योर मूवी विच इज़ कमिंग ऑन क्रिसमस 2020, भूल जा कोई नहीं आने वाला तेरी मूवी देखने के लिए। सही बात। इसके आगे एक और ये मीम ट्वीट किया गया है रामायण का, जिसमें कि लिखा गया है, निर्लज तू फिर आ गया, मंगल ही शनि पे भारी होगा, आप पे पिंचर वाले चाचा जरूर रुको तो सही। मिस्टर बी लिखते हैं, वाह बहुत अच्छी बात है। तिवारी भैया लिखते हैं, फिल्म की टिकट पर पैसे खर्च करने के बदले उसका दूध या खाना गरीब बच्चों को बांट देते तो गरीबों को दुआ मिलती, सत्यमेव जयते में कुछ ऐसी ही बकचोदियाँ किया करते थे आप। तो भैया ये सारी जो बातें हैं निकल के तब सामने आई जब आमिर खान ने थिएटर जाने वाली पिक्चर अपनी पोस्ट करी थी, एक ट्वीट किया था कि भैया हम ये पिक्चर देखने जा रहे हैं, लोगों को प्रमोट करने की कोशिश थी। हालांकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना शायद इसी को कहते हैं, करने चले थे कुछ अच्छा काम, पड़ गया गले पता नहीं कौन। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं बॉलीवुड की अलग अलग निकल के सामने आ रही हैं, लोग इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं। तो अगर आप भी इन बातों को समझ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।